हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। अगर आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि विज्ञान के समझ लें 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यही अगर सिर्फ आप पढ़ लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दूं, इसी में से पूरे क्वेश्चन आएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप सभी इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़कर जाइएगा। देखिए दोस्तों, 70 नंबर के लिए आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, जो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है या अभिक्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मैंने पढ़ा दिया है आपको, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें देखिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ा दी हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या दोनों अभिक्रिया भी मैंने आपका क्लियर करा दिया पहले ही, ऑलरेडी ये सब पढ़ा दिए हैं। थर्ड जो हमारा आता है टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है कि आखिर कोई ना कोई रासायनिक समीकरण दे देगा, उसको कहेगा कि यह संतुलित करना है, तो आपको ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, इस हिसाब से ये पढ़ना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या आता है, अम्ल क्षार तथा लवण। जो अम्ल है मतलब एसिड, क्षार मतलब होता है बेस, एंड लवण, लवण मतलब होता है साल्ट। तो अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको तैयार करना है। मतलब हम अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, इसको बताना है और इसके उदाहरण भी देने के, आके अम्ल का एक उदाहरण, क्षार का एक उदाहरण, लवण का एक उदाहरण, इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है। बेकिंग सोडा बनाने की भी, इसको ही मैंने पढ़ा दिया। देखिए बेकिंग सोडा जो बनाया जाता है, बेकिंग सोडा मतलब जो आपका खाने वाला सोडा होता है, उसको बनाने की भी एकदम मैंने आसान तरीके से पूरा बता दिया है। आप सभी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए ये सारे क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लें। देखिए उसके बाद आता है हमारा धावन सोडा बनाने की विधि। जो धावन सोडा बनाने की विधि है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। धावन सोडा आप कैसे बनाएंगे, यह विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। उसके बाद एक और आता है उसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह तीन आप पढ़ लीजिए, आपका इन्हीं में से एक आएगा। जैसे इन तीनों क्वेश्चन में से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आपको लिखनी है, जैसे था बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। इन्हीं तीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनमें से एक हर साल पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के, हर साल आपको यह देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, देखिए जब अम्ल को, अम्ल और क्षार को जब मिला दिया जाता है तो उससे जो निर्माण होता है जो लवण का, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो हमारा आता है नौवां क्वेश्चन, धातु एवं अधातु परिभाषा उदाहरण अंतर। धातु और अधातु आपको बताना है, जिसकी परिभाषा उदाहरण और इसका अंतर लिखना है। फिर आता है दसवां क्वेश्चन जो कि है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है यह आपको बताने है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या, ये कैसे होती है, इसके बारे में परिभाषा लिखने और इसको थोड़ा समझ में आ जाए। और देखिए जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा, वह टॉपिक पर मैं ज़रूर समझाऊँगा आपको, ये मैं एकदम वादा करता हूँ आपसे। जो भी आपको ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा। देखिए उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें आपका आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में देखिए एन जुड़ता है अनुलग्न, मतलब पूर्व लग्न जुड़ता है एल्केन, हाँ। उसके बाद देखिए अनुलग्न, उसके बाद फिर है एन, ईन, उसके बाद आइन। देखिए अगर आपको अभी ये ना समझ में आ रहा तो इस पर ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो। जो भी आपको नहीं आता टॉपिक उसको कमेंट कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद है बारहवां सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है यह बताना है। उसके बाद आता है IUPAC का नामकरण, IUPAC नामकरण करना है, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है साबुनीकरण अभिक्रिया। देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, जिसमें साबुन बनना आए, मतलब जिसमें साबुन का निर्माण हो उसे ही हम तो साबुनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, हो गया खत्म। उसके बाद 15वां आता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। देखिए दोस्तों एस्टरीकरण अभिक्रिया यह आता है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण एक अभिक्रिया है। इन अभिक्रिया को साबुनीकरण और एस्टरीकरण आप तैयार कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों ये सब आप प्रॉपर तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है कि हम ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो ऐसे में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए, 100% इसमें से आएगा ही आएगा।
उसके बाद 16वां क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। देखिए दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी है, दोनों ही आवर्त सारणियां बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर डबल स्टार बनाते रहूँ, हर बार पूछा जाता है और आपसे 7 नंबर के लिए पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। देखिए जो पाचन तंत्र होता है इंसान का, उसका सचित्र वर्णन करना है। उसके बाद श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र इन दोनों का सचित्र वर्णन करना। फिर आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। देख ले, यह तीनों जो तंत्र हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। जितने मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यह दोनों जो जनन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोनों जनन, चाहे लैंगिक जनन हो गया जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह दोनों रिप्रोडक्शन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं 23वां जो कि है हमारा परागरण। परागरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी के ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो ये सब की वीडियो आ जाएगी, आप बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। पुष्प की संरचना, देखिए जो पुष्प की संरचना है यह हमें बनानी है, यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आता है नर तथा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र, नर और मादा, पुरुष और महिला, इसका जनन तंत्र आपको बनाना है। तो ये हो गया, या क्वेश्चन आप इसका देखिए फिगर भी आ सकता है, पूछ सकता है। अगर फिगर आएगा पूरा फिगर सही तो आपके 7 नंबर के लिए आएगा। समझ लीजिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके छाट के लिए लेकर आया हूँ। ऐसे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें कि आप यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपका बोर्ड परीक्षा में पक्का यहीं से क्वेश्चन आएगा। फिर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो याद दोनों हो गया। इसमें आपको अंतर बताने, कम से कम आप 4 अंतर याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है मेंडलीव के अनुवांशिकता के नियम, मेंडलीव के अनुवांशिकता के नियम, मेंडलीव का जो अनुवांशिकता का जो नियम है यह आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्वि संकर संकरण, एक संकर तथा द्वि संकर संकरण, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है वहीं पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, जो लिंग निर्धारण है उसकी प्रक्रिया समझानी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन, यह आ गया फिजिक्स से हमारा क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश यहाँ से आ रही है, यहाँ से परावर्तित हो जा रही है, तो यह हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन, यह हमसे पूछा था। फिर आता है 31वां अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। ये जो अवतल और उत्तल दर्पण है इसको आपको डिटेल से पढ़ लेना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ना है कि आखिर प्रकाश क्या है, कैसे है प्रकाश का अपवर्तन, जैसे प्रकाश यहाँ से आया तो इसी के अंदर कितने अंश पे घूम जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। मान लीजिए कोई भी लेंस है, इससे प्रतिबिंब का निर्माण होना, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होना, यह हो गया 33 नंबर। फिर 34वां हमारा देखिए क्वेश्चन आता है लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की जो क्षमता है वह जो पी से हमें इसको डिनोट करते हैं यह हमें बतानी है। उसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यह दोनों जो दोष है 36 नंबर क्वेश्चन है, 35 और 36 नंबर। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बेहद ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी सारे क्वेश्चन हैं। समझ लीजिए मैं एकदम कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र जो इंसानी आँख है, मतलब मानव नेत्र जो है उसका सचित्र वर्णन करना है। चित्र के सहित कार्निया कहाँ है, रेटिना कहाँ है, आयरिस कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद आता है ओम का नियम। देखिए दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, तो यहाँ पर देखिए आर से देख सकते हैं, आर बराबर वी बटे आई, तो इस प्रकार से जो ओम का नियम है यह आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ये पढ़ना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है 40 नंबर क्वेश्चन जो कि है विशिष्ट प्रतिरोध। आखिर विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, यह हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकेंगे। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, या देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे श्रेणी क्रम में होता है आर बराबर होता है R1 + R2 + R3, और वहीं पर देखिए इसमें समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और बाकी डैश जो भी हो R3 R4 R5 ऐसे करके। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आता हमारा 43 नंबर क्वेश्चन जो कि चुंबकीय बल रेखाएं। देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, यह भी क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेंगे तो आपको अदर क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, बायो सेवर्ट का नियम। देखिए जो बायो सेवर्ट का नियम है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम वह और बाएं हाथ का नियम वह, दाएं और बाएं हाथ का नियम। उसके बाद देखिए विद्युत मोटर आता है। और आपको बता दूं इसका पीडीएफ अगर आप वीडियो पर 500 लाइक कर देते हैं, जी हाँ दोस्तों 500 लाइक अगर इस वीडियो पर कर देते हैं, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप सभी जल्दी से कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए बायो सेवर्ट करने में फ्लेमिंग का दाएं हाथ, विद्युत मोटर। देखिए उसके बाद हमारा आता है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है 7 नंबर के लिए। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में से एक आता है, इसका सिद्धांत लिखने का आता है। देखा कि इसका सिद्धांत लिखिए, तो इसका सिद्धांत आएगा आपसे 7 नंबर के लिए पूछता है, 7 मार्क्स के लिए आपसे इसका सिद्धांत लिखने को पूछता है। फिर आता है फैराडे का प्रेरण का नियम। देखिए दोस्तों फैराडे का जो प्रेरण का नियम है बेहद इंपॉर्टेंट है, यह जो नियम है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आता है ओजोन परत का अपक्षय, जो ओजोन परत है वह अपक्षयन हो रहा है, उसके बाद ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं या 50 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से पूरा तैयार कर लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन तैयार के, 2 ही क्वेश्चन तैयार कीजिए, आप मुश्किल से 15 से 20 दिन में आप पूरा कवर कर लेंगे। बहुत लगेगा आपको 25 दिन, 1 महीने लग जाएगा। इसी में डेली आप आधे से 1 घंटे निकाल कर पूरा कवर कर सकते हैं, पूरी साइंस। जी हाँ दोस्तों पूरी साइंस इसी में कवर हो जाएगी। और इसका अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो मोबाइल पर स्कूल जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे देखिए पीडीएफ और नोट्स इस पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मोबाइल पे स्कूल देख लीजिए, टारगेट 95% का सही बच्चे जुड़ जाए। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो।